उन्नाव में 16 साल की लड़की से गैंग रेप का मामला दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर रेप का आरोप लगने के बाद से इस मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई है। इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। 10 जून 2017 में 16 साल की एक लड़की ने बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर उनके साथियों के साथ मिलकर गैंगरेप का आरोप लगाया था। मामला सामने आने के बाद लड़की अचानक गायब हो गई, जिसके बाद परिवार वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के करीब 9 दिन बाद लड़की औरैया जिले के एक गांव में मिली, जिसके बाद से उसे उन्नाव लाया गया। लड़की की बरामदगी के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर उसने पुलिस पर आरोप लगाया कि उसे बयान में बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर का नाम नहीं लेने दिया गया। कोर्ट में पेश करने के 10 दिन बाद लड़की को उसके परिवार वालों के पास भेज दिया गया। लड़की लगातार पुलिस पर आरोप लगाती रही कि उस पर विधायक का नाम नहीं लेने का दबाव बनाया गया। पीड़िता और उसका परिवार उन्नाव छोड़कर दिल्ली आ गया, लेकिन वह अपनी शिकायतें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर राज्य के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों को भेजती रही, ताकि वो बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर और उसके भाई अतुल सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करा सके। हर जगह से थक हार कर फरवरी 2018 में पीड़िता की मां ने मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट का दरवाजा खटखटाया, ताकि इस मामले में एफआईआर दर्ज हो सके। 3 अप्रैल को पीड़िता की मां की अपील पर कोर्ट ने सुनवाई की। मामले की सुनवाई में भाग लेने ही पीड़िता के पिता परिवार समेत उन्नाव वापस लौटे। परिवार वालों के मुताबिक उस शाम बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर के भाई अतुल सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर लड़की के पिता को परेशान किया। इसके बाद अवैध हथियार रखने के आरोप में पुलिस ने लड़की के पिता को गिरफ्तार कर लिया। फिर 5 अप्रैल को पीड़िता के पिता को जेल भेज दिया। पीड़ित लड़की के पिता ने विधायक के भाई पर मारपीट करने और फंसाने का आरोप लगाया, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई कदम नहीं उठाया गया। कहीं भी सुनवाई नहीं होती देख पीड़िता ने लखनऊ में मुख्यमंत्री निवास के सामने आत्मदाह करने की कोशिश की और बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए जाने की मांग करती रही, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया। 9 अप्रैल को पुलिस कस्टडी में लड़की के पिता की मौत हो गई।